Hello guys, welcome to my channel. So, aaj ki video, A Girl Who Can See Smell Drama Explanation Series ki part 1 video hone wali hai. Ye drama ek fantasy romantic thriller drama hai. So, without any delay, chalo aaj ki video start karte hai. So, story shuru hoti hai. Aur hum Choyeon Seol naam ke ek school girl ko dekhte hai. Jo ki school se wapas ghar ja rahi thi. Aur wo raaste mein uski maa ko ghar mein uske liye khana bana ke rakhne bolti hai. Tabhi hum Yeon Seol ke घर को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि किसी ने उसकी माँ को मार दिया है और एक आदमी पूरा ही काला कपड़ा पहने हुए उस घर से एक डेड बॉडी को कहीं ले जा रहा है। तभी योन सेल घर में लौटती है और वहाँ वो उसकी माँ को नीचे मरा हुआ देख घबरा जाती है। तभी उसके पास वो आदमी आता है और वो योन सेल के गले में हाथ रख के उसे मारने ही जाता है कि तभी योन सेल उस आदमी को धक्का मार के वहाँ से भाग जाती है और वो आदमी भी उसके पीछे भागता है। तो योन सेल भागते भागते मेन रोड में चली आती है। तभी सामने से एक गाड़ी आके योन सेल को मार देती है और योन सेल का एक्सीडेंट होते हुए वो किलर देखता है। तभी हम किलर के हाथ में योन सेल के नेम टैग को देखते हैं, जिसको उसने योन सेल के ड्रेस से लिया था। उधर हम मुगक को देखते है, जिसको उसकी बहन कॉल करती है और कोइंसिडेंटली मुगक के बहन का नाम भी योन सेल था। तो उसके बहन के स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया था और उसे थोड़ी चोट भी लगी थी, इसलिए मुगक की बहन उसको हॉस्पिटल लेने आने बोलती है। तो मुगक उसकी बहन को देखने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ उसकी बहन के कमरे में जाके वो उसकी बहन के साथ बातें करने लगता है, लेकिन बहुत टाइम बाद भी मुगक की बहन जब उसकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं करती, तब मुगक उसको ठीक से देखता है और उसे दिखाई देता है कि किसी ने उसके बहन के गले को काट के उसको मार दिया है। ये देख के मुगक पूरा ही टूट जाता है और उसके बहन के लाश को पकड़ के रोने लगता है। सीन यहाँ 7 दिन बाद शिफ्ट होती है और पुलिस को योन सेल के पेरेंट्स की डेड बॉडी मिलती है। तो डिटेक्टिव ओ आके उस डेड बॉडीज को देखते हैं, जहाँ पर आदमी के हाथ में चाकू से कर्व किया हुआ बारकोड जैसा कुछ था। तो ये सब कुछ देख के डिटेक्टिव ओ दूसरे ऑफिसर से योन सेल के हालत के बारे में पूछते है, जो की एक्सीडेंट के बाद कोमा में थी और वही उसके पेरेंट्स के मौत में इकलौता आई विटनेस थी जिसने किलर को देखा था। इसके बाद हम योन सेल को देखते हैं और फाइनली उसको होश आ जाती है। वो जब आंखें खोलती है, तब हम देखते हैं कि उसकी एक आंख नीले रंग की हो गई है और वो आंखें खोलने के बाद ही अजीब तरीके से बहुत सारे कलर्स हवा में घूमते हुए देखती है और ये सब कुछ देख के वो पैनिक करने लगती है। तभी उसके पास डिटेक्टिव ओ आते हैं और उनको देख के भी वो वैसे ही बहुत सारे कलर्स को देख के पैनिक करने लगती है। तो योन सेल को अजीब तरीके से बिहेव करते देख डॉक्टर उसे बेहोशी का दवाई दे के बेहोश कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम योन सेल को देखते हैं, जो कि उसके एक आंख में पट्टी बांध के एक्सरसाइज कर रही थी ताकि कोई भी उसके आंखों को देख के डर न जाए। यहाँ योन सेल हमें नरेट करती है कि होश में आने के बाद उसके साथ दो बहुत ही अजीब चीजें हुई है। एक तो उसकी एक आंख नीले रंग की हो गई है और दूसरी कोमा में जाने से पहले उसकी कोई भी मेमोरीज उसे याद नहीं है। फिर योन सेल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और डिटेक्टिव ओ उसको घर लेने के लिए आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि होश आने के बाद सिंस योन सेल को कुछ भी याद नहीं था, तो डिटेक्टिव ओ ने उसे बताया था कि योन सेल का नाम ओ छोरीम है और वो डिटेक्टिव ओ की बेटी है। तो डिटेक्टिव ओ ने कि वो योन सेल से झूठ बोला था, ये हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। तो अब से मैं योन सेल को छोरीम कह के एड्रेस करूंगी। तो डिटेक्टिव ओ छोरीम को कॉन्टेक्ट लेंसेस देते हैं उसके नीले आंखों को छुपाने के लिए और उस लेंस को पहन के छोरीम बहुत ही खुश हो जाती है। सीन यहाँ 6 महीने बाद शिफ्ट होती है और हम योन सेल को देखते हैं, जो कि स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। फिर वो अपने पापा को बाय बोल के स्कूल के लिए निकलती है और रास्ते में वो आइसक्रीम के दुकान से आइसक्रीम खरीदने जाती है, जहाँ वो आइसक्रीम के हर एक फ्लेवर में अलग अलग कलर्स देखती है। और यहाँ छोरीम हमें फिर से नरेट करती है कि एक्सीडेंट के बाद एक और अजीब चीज मेरे साथ हुई है कि मैं अब हर एक चीजों की सेंट डिफरेंट शेप और कलर में देख सकती हूँ। इसके बाद हम मुगक को देखते हैं, जो कि अब पुलिस ऑफिसर बन गया था और वो अंडरकवर था एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए। तो वो उस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए अंडरकवर होके एक स्टोर में उसका वेट कर रहा था और वेट करते हुए वो बहुत सारा खाना खा रहा था। तो इतने सारे खाना खाते हुए देख उसके साथ और भी जो डिटेक्टिव्स आए हुए थे, डिटेक्टिव की और डिटेक्टिव
ए वो दोनों उसके बारे में बातें करते रहते हैं कि वो एक लो रैंकिंग ऑफिसर है और प्रमोशन के लिए गैंगस्टर को पकड़ने के लिए उन लोगों के साथ काम कर रहा है। इधर छोरीम को हम एक थिएटर में देखते हैं जिसका नाम फ्रॉक ट्रूप था और वो वहाँ काम करती थी। तो डायरेक्टर सभी टीम मेंबर्स को बोलते हैं कि उनका थिएटर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और उनको पैसे की भी कमी आ रही है, तो वो लोग अगर कुछ अच्छा शो नहीं किए तो उन लोगों को वो थिएटर बंद करना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्टर सभी टीम मेंबर्स को 3 महीने के अंदर अंदर कुछ अच्छा सा ड्रामा प्रैक्टिस करके ऑडिशन देने बोलते हैं और जो भी उस ऑडिशन में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ही नेक्स्ट शो में स्टेज में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और यही ऑडिशन सभी टीम मेंबर्स को ही देना पड़ेगा। तो ये सुन के छोरीम खुश हो जाती है क्योंकि उसने इस ट्रूप में रहते टाइम कभी भी स्टेज में परफॉर्म नहीं किया था और ऑडिशन अच्छे से देने के बाद वो स्टेज में परफॉर्म कर पाएगी। ये सुन के वो डे ड्रीमिंग करने लगती है और सोचती है कि वो बहुत ही बड़ी स्टार बन गई है और फेमस शोज कर रही है। तो वो डे ड्रीमिंग करके खुश हो ही रही थी तभी उसके पास उसका सीनियर आता है जो कि उसका पार्टनर भी था और वो उसके सभी सपनों को एक झटके में तोड़ देता है ये बोल के कि वो अब किसी और के साथ ऑडिशन में परफॉर्म करेगा। इसीलिए छोरीम को ऑडिशन देने के लिए कोई और पार्टनर ढूंढना होगा। ये सुन के छोरीम बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है और उसके सीनियर को समझाने की कोशिश करती है ताकि वो किसी और को पार्टनर ना बनाए, लेकिन वो सीनियर नहीं समझता। उधर मोगक अभी भी उस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए उसी स्टोर में वेट करता रहता है। तभी वो गैंगस्टर उस स्टोर में आता है तो वो उस गैंगस्टर को देख के उसको पकड़ने जाता है, लेकिन वो गैंगस्टर चाकू निकाल के उसे डराने लगता है। तभी मोगक उस गैंगस्टर को पकड़ ही लेता है तभी अचानक से वो बाहर सो जाता है जिसके वजह से वो गैंगस्टर बाहर से भाग जाता है और बाहर बैठे हुए डिटेक्टिव्स ये देख के उस गैंगस्टर को पकड़ने जाते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। अगले दिन होमिसाइड डिपार्टमेंट के चीफ वुजंग मोगक के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं उस गैंगस्टर को पकड़ ना पाने के लिए और मोगक से मिलके उसको एक घूसा मारते हैं और फिर अकेले में ले जाके उसे धमका के अगले दिन से उसके डिपार्टमेंट के काम में इंटरफेयर ना करने बोलते हैं। इधर छोरीम उसके सीनियर के कहने पर सीनियर की गाड़ी लेके थिएटर के बाकी लोगों के लिए खाना लाने जाती है। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी से मोगक को टक्कर लग जाती है जो कि तब एक क्रिमिनल का पीछा कर रहा था। तो छोरीम के गाड़ी के साथ टक्कर लगने के वजह से उसके सर से खून निकलने लगती है, लेकिन इतने इंजरी के बाद भी उसे कुछ भी फील नहीं होता और वो उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए छोरीम से बिना पूछे ही उसके गाड़ी को लेके जाने लगता है। ये देख के छोरीम भी उसके साथ ही गाड़ी में चढ़ती है। तो छोरीम मोगक से पूछती है कि वो किसको फॉलो कर रहा है। तो मोगक उसे बोलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उस आदमी ने एक दुकान को लूटा है, इसलिए वो उस आदमी को पकड़ना चाहता है। तो वो आदमी भागते हुए एक मॉल में चला जाता है और मोगक भी उसके पीछे पीछे मॉल में जाता है और उसके साथ साथ छोरीम भी जाती है। तो मोगक इतने भीड़ में उस क्रिमिनल को खो देता है, लेकिन छोरीम उस क्रिमिनल के मोटरसाइकिल में देखती है कि उस आदमी के शरीर में ग्रीन कलर की कुछ चीज की सेंट थी और उस सेंट को देख के वो समझ जाती है कि वो सेंट कॉस्मेटिक्स की है। इसलिए वो मोगक से पूछती है कि क्या उस आदमी ने किसी ब्यूटी सैलून को लूटा है। ये सुन के मोगक शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस आदमी ने सच में ही एक ब्यूटी सैलून को लूटा था। तो छोरीम उस आदमी के सेंट को फॉलो करते हुए मोगक को वहां पर ले जाती है जहां पर वो आदमी गया था। तो वो आदमी सोना में गए थे, तो वो दोनों भी सोना में जाते हैं जहां छोरीम मोगक का कपड़ा पहन के एक लड़का बन के लड़कों के साइड में जाती है और उस आदमी के सेंट को फॉलो करते हुए उस आदमी के लॉकर तक पहुंचती है और मोगक को उस आदमी का लॉकर दिखा के बोलती है तुम इस लॉकर के पास खड़ा रहो, यहाँ ही वो आदमी आएगा। तो मोगक छोरीम के कहने मुताबिक वहाँ खड़ा रहता है और कुछ ही टाइम बाद वो आदमी उस लॉकर के पास आता है और मोगक को देख के वहाँ से भागने जाता है, लेकिन इस बार मोगक उस आदमी को पकड़ लेता है। लेकिन उसी हाथापाई के दौरान छोरीम के सर से टोपी उतर जाती है जिसकी वजह से सभी जान जाते हैं कि छोरीम एक लड़की है और एक लड़की को लड़कों के सोना में देख के सभी शर्म के मारे छुप जाते हैं। फिर पुलिस आके उस क्रिमिनल को ले जाते हैं और छोरीम मोगक को हॉस्पिटल ले जाती है उसका चेकअप करवाने। फिर डॉक्टर मोगक का चेकअप करवा के छोरीम को बोलते हैं कि मोगक की शोल्डर डिसलोकेट हो गई है लेकिन उससे कुछ भी फील नहीं होता, तो शायद वो पेन नहीं फील कर पाता। ये सब बोल के डॉक्टर छोरीम को बोलते हैं कि आपको मोगक का कुछ
कुछ टेस्ट करवाना होगा। तो ये सब कुछ सुन के छोरिम बोलती है, मैं मुगा की फैमिली मेंबर नहीं हूँ, तो मैं ये सब नहीं कर सकती। ये बोल के वो चली जाती है और फिर वो और मुगक एक कैफे में जाते हैं जहाँ छोरिम की फ्रेंड जिनजू काम करती थी। और वहाँ बातों ही बातों में मुगक छोरिम से पूछता है कि तुम्हें एग्जैक्टली कैसे सब कुछ उस क्रिमिनल के बारे में पता चला, यहाँ तक कि तुम्हें ये भी पता था कि उस आदमी का लॉकर कौन सा था। तो ये सब कुछ सुन के छोरिम बोलती है कि उसने सिर्फ गेस किया था। ये बोल के वो इस बात को टाल देती है। फिर मुगक छोरिम को अपना फोन नंबर बताता है ताकि उस क्रिमिनल को पकड़ते हुए छोरिम के सीनियर की गाड़ी की जो बुरी हालत हुई थी उसको ठीक करने के लिए मुगक उसे पैसे दे पाए। फिर वो दोनों उस कैफे से जाने लगते हैं। तभी एक लड़की आके छोरिम को योनसेवल कह के पुकारती है और उसे स्कूल की बातें बताने लगती है। तो ये सब कुछ सुन के छोरिम, जिसको कि अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, वो उस लड़की को बोलती है, मैं योनसेवल नहीं हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये सुन के वो लड़की वहाँ से चली जाती है और योनसेवल का नाम सुन के मुगक वहाँ खड़ा होके छोरिम को देखता रहता है। और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।